मुजफ्फरनगर में चल रहे ITF टेनिस टूर्नामेंट में आज मेरे साथ टेनिस के रैकेटों के एक्सपर्ट कुलवंत सिंह जी हैं और हम आज कुछ रैकेट के अनछुए पहलुओं पर उनसे बात करेंगे, उनकी किस तरह की क्वालिटी होती है और महंगाई के दौर में रैकेट आम खिलाड़ी को किस तरह से चोट पहुँचाता है। कुलवंत सिंह जी, आपका मुख्य काम क्या है? बेसिकली तो मैं टेनिस कोच हूँ, पर स्विंगिंग करना मेरी हॉबी है, इसलिए मैं स्विंगिंग भी करता हूँ और कोई भी टेनिस रिलेटेड सारे काम। अच्छा, टेनिस का जो रैकेट होता है बल्ला जिसे कहते हैं, उसमें कितने प्रकार का होता है? ये कई प्रकार का होता है जी, बहुत सारे प्रकार का होता है, अलग अलग वैरायटी होती है, अलग अलग इसका एक्सपेंसिव होता है उस हिसाब से। आजकल के जो दौर में 19,000 से लेकर 24,000 तक रैकेट है, तो वो डिपेंड करता प्लेयर के ऊपर, उसको कौन सा रैकेट अच्छा लगता है। महंगा सा महंगा रैकेट कितने का है इसमें? अभी वो 24,000 के भी। अच्छा कुलवंत सिंह जी, इसमें जो ये तार होता है इसके क्वालिटी के बारे में बताइए, किस तरह से ये काम करता है और किस तरह से? क्वालिटी बहुत टाइप की क्वालिटी होती है, जैसे नेचुरल होती है, जो बहुत एक्सपेंसिव होता है स्ट्रिंग है वो तो बहुत कम प्लेयर यूज़ करते हैं, और बाकी जो नॉर्मल स्ट्रिंग होती है जो आजकल तो वो ही काफ़ी एक्सपेंसिव वही यूज़ करते हैं प्लेयर का, जो मेन अच्छी जैसे ये टूर्नामेंट हो रहा है 25,00,000 का, इसमें सारी अच्छी स्ट्रिंग यूज़ करते हैं। मुजफ्फरनगर में आप देसी और विदेशी खिलाड़ियों सभी को जो रैकेट हैं अपनी निगाह से निकाल रहे हैं पार्क की नज़र से, तो इसमें किस तरह की दिक्कतें यहाँ महसूस होती हैं मैच के दौरान? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती, अगर जो प्लेयर जो चाहता है उसको अगर मिलता तो वो हैप्पी होता है, अगर उसके मुताबिक नहीं मिला तो वो थोड़ा उससे नाराज़ होता है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर वो उसके मुताबिक सब कुछ मिलता है। रैकेट में चाहते क्या है खिलाड़ी, तार सख्त हो किस तरह का? नहीं, सख्त नहीं, वो हर प्लेयर का खेलने का क्वालिटी अलग अलग है, वो अपने हिसाब से टेंशन डलवाता है, उसमें कोई कम डलवाता है कोई ज़्यादा डलवाता है, ये नहीं है कि सब एक जैसे डलवाते हैं, बाकी डिपेंड करता है स्ट्रिंग कैसी है उसके साथ से भी टाइट करवाते हैं।